Redo Life Machine! मैं घर आ गया। नोबिता? हाँ? हमारे घर में मेहमान आए हैं, इनसे हेलो कहो। गुड आफ्टरनून नोबिता। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओह कितना प्यारा बच्चा है, कितनी अच्छी तरह हेलो बोलता है ना? आंटी मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ तो, अरे वाह कमाल है, ये सिर्फ अपना नाम ही लिख सकता है। ये देखो नोबिता, और ये सिर्फ अभी 4 साल का ही है। हाँ? मैं तो अपना नाम अलग अलग भाषाओं में लिख सकता हूँ, देखिए। यहाँ सिर्फ 5 स्वीट्स हैं, अगर मैं एक खा लूँ तो सिर्फ 4 ही बचेंगी। अरे वाह तुम्हें तो मैथ भी आता है, तुम तो बहुत ही समझदार हो। आपको पता है मैं भी ये सब बहुत आसानी से कर सकता हूँ मॉम, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 - 10 होते हैं 10। क्यों मैंने सही जवाब दिया ना? और बताता हूँ, 2 - 1 होते हैं 2, 2 - 2 होते हैं। जाओ और जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। ये तो बहुत गलत बात है, मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मॉम मेरी तारीफ कभी करती ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम 5th क्लास में हो ना, तो तुम्हें तो ये सब आता ही होगा। काश मैं भी एक बच्चा होता। तुम्हारी हरकतें तो बच्चों वाली ही है। काश मैं 4 साल का होता और बहुत ही ज्यादा समझदार होता। बोलो ऐसा हो सकता है? सच कहूँ तो ऐसा हो सकता है। क्या सच में? रीडू लाइफ मशीन। क्या रीडू लाइफ मशीन? पता है कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, ओह काश मैं ऐसा कर पाता। ऐसे में ये गैजेट बहुत काम आता है, क्योंकि ये गैजेट हमें आसानी से उस वक्त में ले जाता है ताकि हम सब कुछ ठीक कर पाए। हाँ क्या मेरा दिमाग अभी जैसा ही रहेगा बताओ? हाँ बिल्कुल, तभी तो तुम वो गलती दोबारा नहीं करोगे नोबिता। बहुत मजेदार आइडिया है। तो तुम कितने साल के बनना चाहते हो? मैं बताता हूँ, 4 साल। मुझे पता था तुम 4 साल ही कहोगे। हाँ बस। मैंने तो चश्मे भी नहीं पहने। ये मैं छोटा हो गया। मैं इस जगह को पहचानता हूँ। पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे वाह बहुत मजा आ रहा है। हे नोबिता रुको, तुम क्या कर रहे हो बताओ? हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तुम्हारी बारी थी। अगर तुम हमें नहीं ढूंढोगे तो हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जियान सुनियो और शिजुका। अरे वाह ये लोग कितने छोटे हैं, प्यारे लग रहे हैं। जियान को 4 साल की उम्र में भी गुस्सा आता है। देखो तुम उस पर गुस्सा मत करो जियान, समझ गए तुम? शिजुका तभी से अच्छी है मेरी प्यारी दोस्त। नोबिता जब देखो रोता ही रहता है। लोगों ने मुझे अभी से परेशान करना शुरू कर दिया। चलो उसे परेशान मत करो, मिलकर कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं, चलो ना। क्यों ना हम स्कूल खेलें? मैं बनूंगी टीचर। नहीं मैं बनूंगा टीचर। टीचर मैं बनूंगा क्योंकि मुझे लिखना भी आता है। मुझे भी लिखना आता है सुनियो। मैं भी लिख सकता हूँ समझे। चलो देखते हैं हम सब क्या क्या लिख सकते हैं। सुनियो। शिजुका। जियान। नोबिता। क्या तुम्हें भी लिखना आता है नोबिता? हाँ। जरूर कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मुझे सच में लिखना आता है। देखो तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल सही कहा। हाँ, इस बात का फैसला तो कोई बड़ा ही कर सकता है। जरा सुनिए अंकल। क्या ये जो लिखा हुआ है क्या तुमने लिखा है नोबिता बताओ? मैंने लिखा। हाँ प्लीज बताइए ना अंकल जी। अरे वाह तुम तो बहुत ही समझदार हो। मैं मान ही नहीं सकता कि वो नोबिता ने लिखा है। कुछ गड़बड़ है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नोबिता। तुम नहीं बचने वाले। अरे लग
लगता है नोबिता ने फिर से कुछ किया है। चलो जरा। अरे ये तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आखिर तुम ये सब क्यों करते हो नोबिता, बताओ मुझे। ओ नोबिता बेटा, तुम ऐसा क्यों करते हो? आंटी, वैसे इसमें नोबिता की कोई भी गलती नहीं थी। इन दोनों ने ही इसे परेशान किया था। अच्छा, ऐसा था क्या? ये सब कैसे हो सकता है? मैंने इन्हें थोड़ा सा धक्का दिया था। इन पर थोड़ी दवाई लगा दीजिए। नोबिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। ऐसी हरकत तो नोबिता ने पहली बार की है। देखो बेटा, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो शरारत नहीं करते। अरे, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। सोसाइटी फॉर प्रोडिजी एजुकेशन रिसर्च। मैं आपसे आपके बेटे के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, जो केवल 4 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा लिखना जान गया। क्या आप बताएंगी? क्या वो लिखना जान गया? अरे नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं लिख पाता है। आपको गलत फहमी हुई होगी, मुझे लगता है। मैं तो एक सेट भी लिख सकता हूँ। ये क्या? क्या ये तुमने लिखा नोबिता? ये सब कैसे हो सकता है? क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? मेरे पास 3 सेब हैं और ये 4 केले हैं। अब ये बताओ, ये सब मिलकर कितने हुए? 7 हुए। 2 × 1 होते हैं 2, 2 × 2 होते हैं 4। मल्टीप्लिकेशन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2 × 3 होते हैं 6, 2 × 4 होते हैं 8। सही कहा ना? अरे वाह, इसने तो मुझे चकित कर दिया। मेरे सारे एग्जाम्स के बाद मुझे यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ 4 साल का है। कमाल है। सही कहा आपने। इसकी ताकत और समझदारी बिल्कुल तारीफ के काबिल है। बचपन से ये एक सेकंड क्लास के बच्चे के जितना तेज है। लेकिन मैं तो 5th क्लास में हूँ। क्या क्या ये सच है? उन्होंने इससे कुछ सवाल पूछे और कहा कि ये बच्चा तो कमाल का है। वाह, एकदम लाजवाब। बहुत अच्छे हो नोबिता, मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये एक प्रोफेसर बनेगा या कुछ और बनेगा? ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। नोबिता, तुम कमाल हो। नोबिता, तुम्हें बाथरूम जाना है। अरे ये तो खुद जा रहा है। ये इसके लिए अच्छा है, ये अभी से ही समझदार बच्चा है। डरो मत, ये मैं हूँ नोबिता। डोरेमोन, देखो तुमने बहुत मजे कर लिए, अब वापस जाने का वक्त आ गया है, तो चले। क्या वापस आ जाओ? क्यों? सब देखो कितना खुश है मेरे से। मैं यहीं पर रहकर चमत्कारी बच्चा बनूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? मैं जीनियस हूँ। उनका कहना है कि मैं बड़े होकर प्रोफेसर या गवर्नमेंट मिनिस्टर बनूंगा, समझे? बात समझने की कोशिश करो। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये झूठ है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है। तुम खुद अपनी आँखों से ही देख लो। टाइम टीवी। देखो कि तुम बड़े होगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम 1st क्लास से शुरू करते हैं। वाह टीमू, ये लो तुम्हारा पेपर। टीचर तुम्हें टेस्ट पेपर दे रही है। नोबिता नोबी। वाह, तुम्हारे फिर से फुल मार्क्स आए हैं। क्या फिर से आ गए? मुझे पता है तुम्हें फुल मार्क्स मिले होंगे बेटा। मैं खेलने जा रहा हूँ। पर बेटा, तुम्हें वो किताब नहीं पढ़नी है। वो बहुत आसान है और बोरिंग भी, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा समझदार बेटा। मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब इसकी टीचर से बात करके इसे बड़ी क्लास में भेजने को कहना चाहिए। दिखाया, बहुत बढ़िया। नोबिता, तुमने आज तो वाकई में कमाल कर दिया। ये तो बहुत आसान था जियान। क्या सच में? अरे वाह, ये तो लाजवाब है। इसमें खराबी कहाँ है? चलो 4th क्लास में चलते हैं नोबिता। नोबिता, तुम्हें 0 मार्क्स मिले हैं फिर से। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? सारा दिन खेलते रहते हो। ये क्या हो रहा है? आखिर ये सब हुआ कैसे?
देखा, तुम्हारा दिमाग एक सेकंड क्लास के बच्चे जितना ही रह गया। सेकंड क्लास तक तो तुम एक लाजवाब स्टूडेंट थे। अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आए तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी नोबिता। हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमारी ही गलती है। हमने शायद उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांध रखी थी। मॉम, ओ, चलो अब देखते हैं कि तुम बड़े होकर क्या करोगे। बस मैंने बाहर देख लिया, अब और नहीं डायमंड। ओ, तुम्हारा स्वागत है। मैं आ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात अब समझ आ गई होगी कि मेहनत किए बिना कामयाबी नहीं मिलती है। हाँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ डोरेमोन। बहुत अच्छे। नोबिता, तुम अभी तक अपना होमवर्क ही अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उसने कहा कि वो पढ़ाई करेगा और कामयाब आदमी बनेगा। सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन यही सच है मॉम। अब ये कैसे हुआ? लगता है ये अपने असली रूप में वापस आ गया। It's